को नमस्कार। हमारे को बड़े क्वेश्चंस आए कि बार बार एब्डोमेन ट्रेनिंग, सर एब्डोमेन आपने पिरामिड ट्रेनिंग बाइसेप में बता दिया और उसमें चेस्ट में बता दिया, लेकिन आपने हमारे को इसका एब्डोमेन के बारे में, मैंने एक्सरसाइज तो डाली है लेकिन उसके बावजूद भी आप बच्चों को बड़ा क्रेज है सर कुछ नया बताओ नया बताओ, तो मैं आपको ये पिरामिड ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ, एब्डोमेन के बारे में कैसे, लेकिन इसको नया बच्चा ज़रा संभल के करें, बिकॉज मुकेश भैया और बॉडी बिल्डर्स का लेवल कुछ हो रहा है, आप जब करेंगे तो उसका लेवल कुछ हो रहा है, तो उसको देखते हुए आपने करना है, एकदम इस टेक्निक को एकदम जल्दी से अडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि हम छोटी छोटी प्लेट से लेकर ऊपर जाएंगे फिर ऊपर से नीचे आएंगे, इससे आपको ये 7 to 8 minutes का प्रोग्राम है आप देखेंगे, और इसके अंदर आपका कभी आपके पास कम टाइम है और आप चाहते हैं कि मेरा मसल एब्डोमेन का पूरा वर्कआउट हो जाए, तो मैं 5 to 7 minutes के अंदर आपको ऐसा एब्डोमेन का बताने वाला हूँ आप बिल्कुल ओके रह जाएंगे। चलिए विदेश चलो सबसे पहले इट्स अ 5 to 7 minutes प्रोग्राम फॉर एब्डोमेन, ओके, इफ यू डोंट हैव टाइम यू कैन हैव वन बेंच एट योर होम एंड यू कैन डू इट, ओके, कोई बहुत ज़्यादा बड़े जिम में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आपके पास लेस टाइमिंग है और बहुत कम भागना है दफ्तर जाना है तो उससे पहले आप ये कर सकते हो। चलो मुकेश भैया स्टार्ट, फर्स्ट 7 reps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 rep लगा के आप प्लेट ले लीजिए। चलो स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप ले लीजिए बड़ी प्लेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रख लीजिए, अब आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलो अब 2 का जंप नीचे लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाओ नाउ छोटी 5 दे दिया खाली चलो चलो 3 लगाइए चलो स्टार्ट 1, 2, 3 देखिए इतने बड़े बॉडी बिल्डर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये ऐसा वर्कआउट है कि आप देखोगे यस लास्ट प्लीज खड़े हो जाओ। अभी मैं आपको बताता हूं, यू हैव सीन दोज बॉडी बिल्डर्स, ये 5 to 6 minutes का वर्कआउट था और इतना इंटेंस वर्कआउट है ये, अगर इसके 2 to 3 sets आपने कर लिए तो समझ लो, और वीक में 3 times मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये नहीं कि डेली शुरू हो जाओ, डेली शुरू हो गए तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका मसल भी फुल हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट मैच्योर इनफ कि आप वेट के साथ करें, और नए बच्चों को मैं बोलूँगा सिर्फ छोटी प्लेट 2.5 वाली या 5 वाली लेके और 5 kilos तक ही जाएं, बड़े बॉडी बिल्डर्स ऐसे कर सकते हैं लेकिन छोटे वाले ऐसे नहीं कर सकते। अभी देखिए मुकेश भैया की बॉडी का लेवल और आपने एक बॉडी बिल्डर देखा, मैंने पहले एपिसोड में या अभी आने वालों में देखोगे इनका लेवल और है और उनका लेवल और है, तो इसलिए जब आप मैच्योर हो जाते हो कोई भी ट्रेनिंग आपको इतने इंटेंस वर्कआउट के लिए आपको बहुत बड़ा स्टैमिना चाहिए, बिकॉज अगर मैं किसी नए बच्चे को कराऊंगा तो वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसका मसल भी क्रैम्प होने का खतरा है, इसलिए आप टेक इट ईजी करके इसको करें और आराम से करें, तभी अभी आप ये सोचेंगे कि मेरा जैसे आपका 40-45 inches आपकी कमर है, आप सोचते हो कि मेरी 15 days में या 10 days में कम हो जाए, दिस इज नॉट गुड, एवरी मंथ यू कैन लूज योर वेट 3 to 4 kg, दैट इज द बेस्ट वन,
अगर आप 10-10 किलो एकदम ग्राफ गिराओगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मेरे को बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं महीने में इतना काम कर लिया, जो मैं बाद में देखता हूँ कि वो गुब्बारे की तरह एकदम लूज हो जाता है और बाद में उसको इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन में से हवा निकल जाती है। अगर आप सॉलिडली इसको डाउन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, देन इट इज़ ओके। ये था एब्डोमेन का प्री वर्कआउट। अभी नेक्स्ट में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, दो एपिसोड जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत है लोअर एब्डोमेन की, लोअर एब्डोमेन और साइड्स, इसके बारे में वर्कआउट में मैं बात करूँगा। हिम्मत नहीं हारनी, लड़ते रहना है।